सबसे पहले आसिफ साहब आपसे बात करना चाहूंगी, खुद शनासी इस कॉन्सेप्ट को समझना कितना ज़रूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है। अगर दुनिया की अगर इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं, अपने मज़ी दीन के हवाले से भी अगर हम देखते हैं, तो एक मतलब कॉल है जिसका आप कह सकते हैं कि जिसने अपने आप को बचाना उसने अपने अल्लाह को बचाना, और फिर ये एक लेंस लग जाता है और ये इस लेंस से आपके अंदर बड़ी क्लैरिटी आती है। अब अगर हम स्टार्ट इसका करें ना कि अगर बच्चों का देखें, तो बच्चा स्टार्ट में जब पैदा होता है तो उसको तो खुद फील करवा रहते हैं, वो खुद उसके हाथ में कोई इख्तियार में नहीं होती चीज़, उसे तो पेरेंटिंग उसकी यानी पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनिशियली ग्रूमिंग में। फिर उसके बाद ये 10 ईयर्स में जिसमें पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद जो सेकेंड फेज आता है ना वो 20 to 30 वाला, उसमें फिर चूंकि वो कॉन्शियस हो जाता है, अब फिर उसको होता है कि ग्रूमिंग के साथ साथ ना वो कुछ उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप होनी शुरू जाती हैं, सेल्फ अवेयरनेस की कि मतलब मकसद क्या है, अच्छा मैंने किस डायरेक्शन में काम करना है। फिर मतलब अगर चूंकि हम तो इस्लाम के हवाले से अगर बात करते हैं तो दीनों दुनिया दोनों को साथ रख के चलना है और किस तरह कामयाबी के साथ चलना है। तो अल्लाह मियाँ ने मतलब मेरी एक जो रिसेंट मैंने एक बुक पढ़ी है उसमें खातून ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है इसको कि अल्लाह मियाँ ने हर इंसान के अंदर बेपनाह सलाहियत छुपा कर रख दी। फिर होता है ना कि एक जात वो साइड पे जैसे खड़े हो जाना, हालांकि हम तो उसको नहीं कह सकते खड़े हो जाना साइड वाला, लेकिन यह है कि वो फिर देखती है कि अब ये सारी सलाहियत तो इस इंसान के अंदर रख दी है, अब ये कैसे इनको एक्सप्लोर करता है। तो उसमें फिर दो तरह के इंसान में मिलते हैं, एक तो होते हैं कि बड़े ये लकी, अब इसकी बैकग्राउंड मुझे नहीं पता अभी तक कि ये क्यों कैसे कोई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने कुछ करना है जिंदगी में, ये तो आता है, ये तो बड़े लकी लोग होते हैं कि जो बड़े जल्दी अपना प्लान कर लेते हैं। सेकंड होती है कैटेगरी होती है जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत तो रखी होती है, उन्हें पता भी होता है, लेकिन सलाहियतों का पता होना सिर्फ काफी नहीं है, उसके लिए फिर उनके लिए उनको एक तहरीक चाहिए होती है, बड़े अच्छे उस्ताद मिल गए, कोई बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, कोई पेरेंट्स के हवाले से, कोई एनवायरमेंट के हवाले से, फिर उन्हें एक तहरीक मिलती है और उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो जिसको मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूँ, जॉन मैक्सवेल को पढ़ता हूँ, दुनिया का एक बहुत बड़ा उस्ताद है, गुरु है बिजनेस का, तो वो कहता है कि अगर आप बजाय खामियों पर काम करने के आप अपनी खूबियां तलाश करके जो आपकी स्ट्रेंथ है अगर आप इनको काम करके इनके ऊपर जाहिर करें तो आप ज्यादा बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली फिर हम आते हैं कि जब कोई इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि ये मेरा मकसद है और उसे अपना मकसद मिल जाता है, तो उसके बाद उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मिलता है।